दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई के वानखेड़े में पहले T20 में भी आई घमंडी बांग्लादेश की शामत, कप्तान सूर्या ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास। तो रिंकू के साथ मिलकर हार्दिक ने अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि पहले T20 में बांग्लादेश को खून के आंसू रुला दिए। तो आखिर कैसे रिंकू और सूर्या की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अंत में हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया बांग्लादेश का दिल। किसने बनाए कितने रन, कैसे रिंकू ने लगातार 7 गेंद पर 7 तूफानी छक्के जड़कर तोड़ दिया युवराज और पोलार्ड का भी महा रिकॉर्ड। उनकी विस्फोटक बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका की धरती पर 3-0 से T20 सीरीज जीतने वाली सूर्या की पलटन का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। ऐसे में उन्हें चुनौती देने के लिए जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आई तब उन्हें लग रहा था कि वो टीम इंडिया को हराने के काबिल है। उन्होंने पूरा मन बना लिया था 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम जीत का सपना सजाकर उतरी थी। लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने बांग्लादेश के घमंड को चकनाचूर करते हुए उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा आए थे, ऐसा लगा था कि ये दोनों अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में ही भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने तो अभिषेक शर्मा इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे, केवल 9 रन बने थे और हमने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए थे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या और T20 के सरताज रिंकू सिंह। फिर उसके बाद जो हुआ उसे बांग्लादेश का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हाँ, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी मुस्तफिजुर की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो बांग्लादेश की टीम के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का क्यों ना लगाना हो, सूर्या अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। शाकिब अल हसन के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हाँ, शाकिब के 1 ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरे स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया तो दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। बांग्लादेश के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मेहंदी हसन मिराज की कि उन पर कहर बनकर टूट पड़े। सूर्य कुमार यादव जिनके 1 ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्या 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे, उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 7 खौफनाक छक्कों और 4 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। सूर्या ने तो बांग्लादेश के गेंदबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्या ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते ही सूर्या को भी पवेलियन लौटना पड़ा, मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब बांग्लादेश ने सोचा वो मैच बचा लेंगे तब उन पर हार्दिक पांड्या कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले हार्दिक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ही आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक
ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार तीन गेंद पर तीन खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंद पर 44 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले ही T20 मैच में बांग्लादेश को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा था। हालांकि दोस्तों बांग्लादेश को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं। दोस्तों बांग्लादेश की टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने के लिए कप्तान नजमुल हुसैन संतो के साथ लिटन दास की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने लिटन दास को चलता कर लग्गा को बहुत बड़ा पहला झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खुद बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने टीम की सभी उम्मीदों को पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। संतो भी रवि बिश्नोई की फिरकी में फंस गए तो एक के बाद एक पूरा बांग्लादेश का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन शाकिब अल हसन हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीद को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने अपने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर लंका ने 20 ओवर में 188 रन का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। लेकिन दोस्तों अकेले ये खिलाड़ी कितनी ही मेहनत कर पाता? उन्होंने भरपूर कोशिश की अपनी टीम को जीत दिलाने की, लेकिन बावजूद उसके बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से पहले T20 में पहले खेला गया ये प्रैक्टिस मुकाबला जीतकर बांग्लादेश का न केवल घमंड तोड़ा बल्कि उन्हें बता दिया कि 3 मैचों की T20 सीरीज में तो उनकी शामत भारतीय खिलाड़ी लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश को 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।